और बात करेंगे अगली खबर की, जहां पर झुंझुनू की मंडरेला पुलिस ने ट्रांसफार्मर चुराने वाली गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के 6 शातिर सदस्यों के साथ में चोरी का माल खरीदने वाले 2 कबाड़ियों को भी गिरफ्तार किया है। इनमें एक नाबालिग भी बताया जा रहा है। आरोपी ने 1 साल में 100 के करीब ट्रांसफार्मर चोरी करना स्वीकार किया है। सभी आरोपी GSS पर प्राइवेट ठेकेदारों के नीचे ड्राइवर और हेल्पर का काम करते हैं। कुछ कॉलेज स्टूडेंट भी है। गैंग के सदस्य वारदात को अंजाम देने के बाद अपने अपने काम में लग जाते थे। आरोपियों को ट्रेस कर पाना पुलिस के लिए चुनौती साबित हो रहा था। गैंग के सभी सदस्य जिले के अलग अलग कस्बों और गांवों के रहने वाले हैं। चोरी के बाद लोकेशन बदल लेते थे। आरोपियों ने 3 अगस्त को मंडरेला थाना क्षेत्र के बुटानिया में सिंगल फेस का ट्रांसफार्मर चोरी किया था और इस संबंध में कनिष्ठ अभियंता संदीप चावला अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। उसके बाद से पुलिस आरोपियों का लगातार पीछा कर रही थी। ट्रांसफार्मर तो बिजली के हैं, उनसे तेल चोरी होना, तांबा चोरी होने की घटनाएं बहुत बढ़ गई थी। सूचनाएं खूब आ रही थी। हमने इसके लिए सभी जिले में, करीब-करीब जिले में, करीब-करीब थानों में, महाराष्ट्र से जिलों में भी हो रही थी। उनको सूचनाएँ हमने टेक्निकी साइड से सूचनाएँ संकलित करके और इसका डाटा का एनालिसिस किया तो थाना मंडरेला पर थानाधिकारी और CO चिड़ावा ने अच्छी कार्रवाई करते हुए एक बड़ी गैंग का उसको दबाने में कामयाब हो गए हैं। ट्रांसफार्मर DP चोरी का, जिस पर श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान श्याम सिंह तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान गिरधारीलाल शर्मा तथा श्री शिवरतन गोदारा जी वृत्ताधिकारी व्रत चढ़ावा ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई करने तथा मुलजिमान को शीघ्र दस्तयाब कर वारदात का खुलासा करने के आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए।